Recording in progress. हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रहा। हेलो Next slide, yeah.
देखो ना भाई, जियो चल रही है। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, अभी आवाज बीच में चला जाएगा तो प्लीज हमको टेक्स्ट कर देना। हाँ, कौन सा टॉपिक था आज? स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा ना बच्चों? अभी ना। हाँ ठीक है, होगा, स्टार्ट कर देगा। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ा देगा। प्रॉब्लम होते रहते हैं हर समय। So today we are going to study start the Arunachal Pradesh section. So first let us know like the capital. Capital of Arunachal Pradesh is Itanagar, which has named after Ita Fort, and which means fort of bricks. And it was built in sorry in 14th century AD. Okay, and area is about 83,743 kilometers square. State animal Gayal, Bos frontalis. And like Nagaland ka na, like state animal has changed or not, let me check. Okay, agar Nagaland ka change nahi hua hai na, Gayal hi hai, to state animal of Arunachal Pradesh and Nagaland will be the same. Jaise like this is very important, huh? Like क्योंकि जैसे कि लाइक ना आपका लाइक मिजोरम का स्टेट एनिमल क्या है, ये सब तो आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो ना, लाइक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक तो, फिलहाल देखा नहीं है क्वेश्चन, बट लाइक मेन। हाँ, नागालैंड का बोर बोला था, वही इसलिए हम बोल रहे हैं ना, लाइक ऑनलाइन में फिर चेक करके देखा है तो गायल भी दिखा रहे, तो इसलिए हम और एक बार मतलब उसको रिसर्च करके देखेगा। अगर ये क्या होता है, अगर क्लास खत्म होने से भी ना तो हम अपडेट कर देगा थ्रो लाइक प्रिंट नोट्स का थ्रो। ओके मैम, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना क्योंकि ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा है फिर हम लिखा है कुछ और। अगर गायल का लाइक इनकेस ये चेंज नहीं होता है बोलने से ना, गायल होने से ये नागालैंड होगा। हाँ, स्टेट बर्ड जो आपका ग्रेट हॉर्नबिल है, विसेरोस बाइकोनिस, और ये स्टेट बर्ड जो इवन केरला का भी स्टेट बर्ड सेम है। ओके, अगर अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है तो ऐसा कौन सा स्टेट है ऑफ द इंडिया जिसका सेम है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो लाइक यू शुड टिक राइट द केरला। केरला एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सेम स्टेट बर्ड। एंड स्टेट थ्री होलोंग, that is Diptocarpus macrocarpus, okay, and hello, that is ma'am. The same of your haan. अच्छा मैम, ये जो ये अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है ना, वो जो ये होलो गिबन और ये क्या मिथुन नहीं है क्या ना? ये हम थोड़ा कंफ्यूज एक्चुअली ना, ये जो ना बोस फ्रंटलिस जो मिथुन को ही बोलता है। ओ अच्छा, लेकिन क्योंकि पहले होलो, हाँ गायल, बोस फ्रंटलिस और मिथुन ना सेम है, वो पहले होलो गिबन था ना फिर चेंज कर दिया था। ओ, फिर से मिथुन आया था तो ना। हाँ, अभी मिथुन ही है, पर फिलहाल जो ना गायल और ना गायल को ही मिथुन बोलते हैं। ओ, तो अच्छा मिथुन लिखने से भी हो जाएगा ना? हाँ, मिथुन भी सेम है, लेकिन अगर इनकेस आपको क्या बोलते हैं एग्जाम पर गायल लिख दिया तो आपको पता सिर्फ मिथुन है ना, लेकिन इसका दूसरा नाम गायल है पता नहीं होता, आप टिक राइट नहीं करेगा ना वहां पर, तो इसलिए जानना जरूरी है कि गायल एंड मिथुन इज द सेम थिंग। वो ऑप्शन में देखिए कि लाइक गायल है ना मिथुन है, अकॉर्डिंग टू दैट यू टिक राइट। ठीक है, ओके ओके। अच्छा मैम, एंड आफ्टर दैट, हाँ, ये जीरी जो कौन सा ट्राइब का ये वो है ना, क्या बोलते हैं नाम है ना जीरी? हाँ, इस बार का ये ड्राफ्टमैन का पेपर में आया हुआ था ये जीरी जो कौन सा ट्राइब्स का, कौन सा ट्राइब का दूसरा नाम है जीरी जो ना, उसको आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है? ओके, आप ऑप्शन में ऑप्शन में श्रेक दुपेन दिया हुआ था ना, हाँ, तो उसको तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक ही होगा सर, दुपेन और क्या-क्या है प्रश्न? क्या आप पढ़ा दे रहे हैं हम क्वेश्चन या तो आप हमको ना मेरा जो फोन नंबर दिया था ना
आपको, आप लोगों को, ठीक है ठीक, वहां पर सेंड कर दो तब, मतलब क्योंकि अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है तो ना, तो क्लास कराना है, तो आई विल सी एंड लाइक कल होने से भी बता देगा या तो जब समय मिलेगा. एंड लाइक स्टेट फ्लावर जो ना, लेडीज स्लीपर जो ऐसे दिया हुआ है, पर लाइक ना फिलहाल के लिए ना आप लोग जो लाइक फॉक्सटेल और किट को ही लाइक, अगर इनकेस ना एग्जाम में फॉक्सटेल और किट और लेडीज स्लीपर देता है, वैसे फॉक्सटेल और किट को ही कर लीजिए ना, क्योंकि हर जगह में तो हम ऑफिस में भी फॉक्सटेल और किट ही देख रहे हैं, लेकिन लेडीज स्लीपर भी मतलब कहीं पर अपडेट हुआ है ना करने फिर पर, तो फिर फिलहाल अरुणाचल में अपडेट क्यों नहीं है वो चीज हम समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप लोग फॉक्सटेल और किट ही लिख लीजिए. ओके एंड लाइक ये जो आपका तब फॉक्सटेल और किट होने से आसाम का होगा. हाँ, और आसाम का जो रिंको स्टाइलिस रेटूसा होगा, हाँ गिगंतिया लिखा था तो ना, तो वो भी कहीं में हम करने अफेयर्स अपडेट करके देखा था, गिगंतिया लिखा हुआ था तो, पर भी उसको हम चेक कर देगा. हाँ, ये स्टेट एनिमल्स बर्ड सब स्टेट का एक और बार चेक करके देखेगा. अभी तक जितना ना ऑफिस में भी थोड़ा सा पूछ के देख रहे हैं तो मतलब एक दो जिसको पहचानते ना, तो उसमें तो अभी तक तो फिलहाल फॉक्सटेल ऑर्किड ही है ऐसे बता रहे. हाँ मैम, हम भी बुक स्टोर देखा था, उसमें भी सब में फॉक्सटेल ऑर्किड ही था, इसलिए थोड़ा. हाँ वही, फिर ये पता नहीं ये कहीं हम करेंट अफेयर्स में देखा है ना लेडीज स्लीपर का, तो फिर भी हम ये क्या बोलते हैं, अभी के लिए फिलहाल आप लोग फॉक्सटेल ऑर्किड ही देखो, अगर कहीं से अगर हम रिसर्च करके अगर हमको पता चलते क्या एग्जैक्टली ऐसा होने से, तो मतलब बाद में ना क्लास खत्म होने से भी सर को बोल देगा कि नोट्स का चोसे दे देने के लिए. स्टेट फिश जो आपका गोल्डन मासीर है, हाँ उसको साइंटिफिक नेम जो आपका तोर पुटी तोरा करके. ओके एंड ये जो आपका जो हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड ना, ये तीनों का भी स्टेट फिश जो सेम है, अरुणाचल प्रदेश का साथ में सेम है. हाँ उसकी लाइक योर अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो इंग्लिश है. एंड रिलीजन जो आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस का अकॉर्डिंग से क्रिश्चियनिटी जो आपका 30.26% है, हिंदुज्म जो 29.04%, दोनी पोलो 26.2%, विच मीन्स लाइक फर्स्ट इज देन क्रिश्चियनिटी, सेकेंड इज योर हिंदुज्म, थर्ड इज योर दोनी पोलो, एंड थर्ड में फोर्थ में आपका 11.64% इज योर टिबेटन बुद्धिज्म, एंड 1.9% इज योर इस्लाम, अदर्स जो 0.84% है. ओके पीपल ऑफ स्टेट, जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेट का जो पीपल लोग है ना, तो ये जो आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बने से आपका टिबेटन बर्मन पीपल ऐसा करके. हाँ टिबेटन बर्मन पीपल से ओरिजिनेट होके आया यहाँ पर. एंड लाइक हाँ जैसे कि कोई कोई ईस्ट साइड का लाइक जैसे नामसाई साइड का जो आपका ये बर्मन साइड का है ना. उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बिगेस्ट एंड हाइएस्ट ना, तो लार्जेस्ट एरिया जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलने से आपका जो देखो लाइक ना अपर दिबांग वैली बोल के ना, ये जो ऑफिशियली जो ना दिबांग वैली बोल के ही लिखता है. ओके दिबांग वैली ही लिखता है ऑफिशियली, लेकिन इसको अपर दिबांग वैली ऐसे मतलब लोग बोल के ना लाइक अपर दिबांग वैली कर, क्योंकि लोअर दिबांग वैली है तो ऐसे ऊपर अपर दिबांग वैली, तो इसलिए मतलब एक्चुअली आपको दिबांग वैली है लेकिन इसको अपर दिबांग वैली ऐसे लोग बोलते हैं. ओके 13,029 किलोमीटर स्क्वायर है एंड स्मॉलेस्ट एरिया जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो लोंगडिंग है, लोंगडिंग ओके, एंड देट इज योर 1,192 किलोमीटर स्क्वायर. अच्छा मैम. हाँ स्मॉलेस्ट एरिया इज इन एरिया या डिस्ट्रिक्ट सेम ही होगा क्या ना. हाँ डिस्ट्रिक्ट का तो स्मॉलेस्ट में तो कमले को दिखाता है तुमने. कमले दिखाता है ना, कमले दिखाता है ऑनलाइन में 200 किलोमीटर स्क्वायर करके, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है बोला, एक्चुअली में नहीं है कमले, कमले बहुत भरा है एक्चुअली. श्योर है मैम. लेपराधा भी बहुत होता है तो मैप में देखने से, लेपराधा और नमसाई
हाँ पर लाइक लोंगडिंग लोंगडिंग को ना आप ये कहते हैं अरुणाचल जीके का जो बुक है ना यहाँ में भी आप ज्यादातर देखने से लोंगडिंग ही आपको मिलेगा, लेकिन मैप में देखने से ना लोंगडिंग थोड़ा बड़ा लगता है ये लेपारादा और नामसाई से। ठीक है इसको एक हाँ फिलहाल के लिए तो लोंगडिंग आप कर लीजिए। हाँ ओके मैम हम फिर भी चेक करेगा क्योंकि अरुणाचल का ऐसा है ना लाइक ना आपका ऑनलाइन अच्छा से सोर्स मिलता है लाइक इट्स वेरी लाइक ना एक दो तो थोड़ा हम लोग से भी थोड़ा गलती हो जाते हैं। हाँ इसलिए तो आप लोग जैसे लाइक हम कुछ पढ़ा रहे तो इनकेस आप लोग का जगह का है तो गलती से अगर हम कुछ बोल देते हैं तो आप मतलब बता दीजिए ना करेक्शन कर दीजिए। एंड बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका जो दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज योर अपर दिवांग वैली जो बोलते हैं ना एंड लाइक स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज योर कानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके हाईएस्ट पीक जो आपका कांगटो पीक है जो कि आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पर है एंड देट इज योर 7090 मीटर। जैसे लाइक बाकी स्टेट्स को भी बोला जाता है इस नॉन एस ना तो लाइक बाकी स्टेट का तो एक दो जानने से भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं बट अरुणाचल प्रदेश को तीन नाम से जाना जाता है तो इसको आपको याद रखना है दैट इज लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन विच ऑल्सो मीन्स लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड नेक्स्ट इज योर ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया क्योंकि ऑर्किडेरियम है तो ना हमारा वहां पर एंड द पैराडाइज ऑफ द बोटनिस्ट ये तीनों से जाना जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन से बोला जाता है ना क्योंकि हम लोग का सबसे पहले लाइक विथ इन इंडिया आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनरेज करता है। तो जैसे सबसे पहले वर्ल्ड में जो आपका सनरेज कहाँ पर होता है जापान में एंड विथ इन इंडिया आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपको पूछिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका सनरेज होता है and that is your Anjao district and within the Anjao district kaun sa village mein hota hai bolne se aapka Dong village and aapka jaise kaun sa town mein hota hai bolne se that is your Kibitu town and Dong village ka na east of Dong village mein aapka Kibitu town hai okay to isliye Kibitu town mein sabse pehle aata hai uske baad Dong village mein aata hai ha east of Dong village mein Kibitu town hai okay हाँ ये स्मॉलेस्ट कमलेला आपका जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड किया हुआ आपके लिखा हुआ है। हाँ नहीं वो जो ना हम पहले कमले मतलब कि लिख दिया था ओके इसके बाद इसलिए हम बाद में स्टडी करके देखा है ना तो फिर लोग से भी पता चला है लाइक आपसे इसलिए हम चेंज कर दिए लॉन्गडिंग है ना मैम। हाँ आप फर्स्ट बैच स्टूडेंट है पता नहीं कौन सा बैच का कैसे पता नहीं आप नहीं मतलब पहले आप क्लास किया था क्या पूछ रहे हैं इसको पंकज सर ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा था ना नहीं कोई कोई स्टूडेंट क्या बोलते पहले पुराना स्टूडेंट भी तो पढ़ रहे हैं ना यहाँ में एक दो जी। तो जैसे कि आपका जो ना सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट में विद इन योर अरुणाचल प्रदेश ये जो ना आप लोगों का ये जो अरुणाचल का जो एग्जाम है ना इसमें ना ज्यादातर लाइक थोड़ा फैक्चुअल वाला चीज होता है ना जैसे लाइक नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा वो है डिस्ट्रिक्ट है साउथ में कौन सा है ऐसा ना कंसेप्चुअल वाला ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं मिलते यहाँ पर ना ज्यादातर एकदम ऊपर ऊपर लेवल एंड लाइक आपको बहुत फैक्चुअल डाटा जो होता है ना वही आप लोग को जानना होता है एंड लाइक नॉर्दर्न मोस्ट में आपका नॉर्दर्न मोस्ट में आपका ये क्या है दिबांग वैली ना नॉर्दर्न मोस्ट अरे क्यों नहीं लिख रहे एक मिनट हाँ ये पेन को क्या प्रॉब्लम हो गया फिर नहीं लिख पा रहा हाँ यहाँ पर कैसे ऐसा लगाना होता है ये तो है 90% कभी कभी ऐसा होता है आप लोग थोड़ा मिनट्स के लिए रुकिए हाँ पेन का इंक नहीं आ रहा डिजिटल पेन
अभी वापस आ रहे हैं। एम वॉइस गई पर अभी भी नहीं ऑनलाइन हो जाएगा, निकल जाएगा आराम से। आवाज आ रहा है ना अभी? होगा अभी, ठीक रहेगा। चल पंकज सर। हेलो पंकज सर,
हेलो, आवाज आ रहा है अभी? हेलो, यस सर, आ रहा है ना? अच्छा, थोड़ा सा थोड़ा देर रुक जाओ। हाँ, इसका फाइल डेस्कटॉप में है। डेस्कटॉप में है? कौन सा पेज में था? हाँ, ये था जो किस्टन मोस्ट करा। क्या बता? अब ये यूज़ करना था। ठीक है, मैं कनेक्ट हूँ। हाँ ठीक है, ये वाले सर, यहाँ पर इरेज़र ओ ये हाँ ठीक है, ठीक है। तो लाइक हम लोग ये इसका बारे में बात कर रहा था ना, अरुणाचल प्रदेश का। आवाज आ रही है? हेलो, नहीं ना, आवाज आ रहा है। और लाइक ना वो जो क्या था, हम कमले लिखा था तो ना, तो उसको जो जो पहले का नोट्स में कमले लिखा था ना, उसको हम अपडेट कर दिया था, एक नोट्स में मिल जाएगा उसमें। और आप लोगों को वो नेशनल पार्क्स का मिल गया नोट्स? हेलो, नेशनल पार्क्स का नोट्स मिल गया आप लोगों को? हेलो, सुनाई दे रहे? हेलो,
मैम नहीं मिला लगा नेशनल पार्क नहीं ले मैम और ठीक है होगा हम बोल देगा सर को दे देने के लिए और भेज दो मैम अभी के इसको भी ना होगा नोट्स ज्योग्राफी का ये जो पूरा क्लास खत्म होने के बाद एक साथ भेज देगा सर ने वो नेशनल पार्क सब कुछ नेशनल पार्क को भी बाद में दे देगा अभी दे दो नेशनल पार्क का नहीं सब कुछ बाद क्योंकि या तुमने एक तरह को एग्जाम तो है सर सर जो ना आप लोग एक साथ भेज देगा बोला है अभी नहीं देगा बोल सर को सर को रिक्वेस्ट करके देखो क्या थे हाँ जो इसके बारे में बात कर रहा था ना अरुणाचल प्रदेश का जो ना इंटरनेशनल बॉर्डर जो अराउंड 1630 किलोमीटर है तो जिसमें से आपका जो कौन कौन सा से कंट्री से ये बॉर्डर है उनमें से एक है चाइना दूसरा भूटान एंड म्यांमार तो चाइना से आपका जो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश तो ये आपका चाइना होगा क्योंकि ये 1030 किलोमीटर है आपका चाइना का बॉर्डर एंड 160 किलोमीटर है भूटान का 440 किलोमीटर है म्यांमार का विच मीन्स आपका सबसे पहले चाइना उसके बाद सेकेंड म्यांमार एंड थर्ड जो आपका भूटान नेक्स्ट जो हम लोग जो पढ़ने जा रहा है उसका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टेक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टेक का मतलब सबसे पहले हम लोग जी आई टेक का मीनिंग समझते हैं ओके बहुत सारा लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या ये क्वांटिटी को लेके है ना क्वालिटी को लेके है तो इसमें जो आपका जो जी आई टेक जो ना मोर फोकस करते हैं आपका क्वालिटी में एज कम्पेयर टू योर क्वान्टिटी क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करता है ओके एंड क्वालिटी इसमें ज्यादा मैटर करता है एंड एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन मतलब वही एक ज्योग्राफिकल एरिया में अगर वो उगता है वही एक प्रॉपर जगह में एंड उसका क्वालिटी बहुत बेहतर होता है ना ऑल ओवर इंडिया का कंपेयर में तो लाइक उसको जी आई टैग दिया जाता है तो जिसमें से आपका टैग जो लाइक दो जी आई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को उसमें से आपका सबसे पहले है अरुणाचल ऑरेंज जिसको वक्रो एंड आपका जो मैंडरिन ऑरेंज करके भी बोला जाता है इसको ओके मैंडरिन ऑरेंज भी बोला जाता है एंड ये जो आपका वक्रो ना लोहित में सबसे ज्यादा पाया जाता है और लाइक सेम ब्रीथ इसका सेम ब्रिज जो आप जो जैसे लाइक आपको रोइंग दम्बू लोअर डिबांग वैली पंजिन मेबो ईस्यांग में बोलेंग अपर सियांग बासर आपका लेपरादा बोहा ब्रेगोन आपको वेस्ट कमिंग एंड बाना ईस्ट कमिंग ऐसे ये एरिया में भी आपको सेम पाया जाएगा ओके ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वो नहीं होता है हाँ अरुणाचल एक स्टेट को लेके होता है एंड इसमें जो क्या खासियत है कि लाइक इसको जो जी आई टेक मिला है मेनली बिकॉज आपका ये जो आपका अरुणाचल का जो ये वक्रो या तो मैंडरिन ऑरेंज जिसको बोला जाता है इसको इसका क्या है कि लाइक जो ना जूस ना इसका अच्छा साइज है और वो साइज में आपको जूस हाई अमाउंट में पाया जाता है ओके In high amount, you will find the juice of the orange as compared to the rest part of the Indian orange. Okay, जैसे नागपुर भी तो orange से like famous है ना large quantity में उगता है but like as compared to all of them like हम लोग का अरुणाचल का जो orange है जो कि वक्रो orange and that is like high quantity like juice पाया जाता है and there is a like or like less acidity हाँ huh? एसिडिटी नहीं होता है तो ये दो क्वालिटीज है जिसका कारण से इसको मिला गया एंड लाइक इसको सर्टिफाइड किया गया था 23 मार्च 2015 को नेक्स्ट जो आपका है इदू मिसमी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट जो कि आपका ये 27 है हाँ 27 अगस्त 2019 को इसको सर्टिफाइड किया गया था एंड इसका जो क्या क्वालिटी को देखा है इसमें भी आपका जो डिजाइन है ना जो डिजाइन है उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो है जैसे कि लाइक आपका हो गया लाइंस एंगल्स ट्राइंगल्स
रोम्बोइड्स है, लाइक ऐसे करके ना उसका ना बहुत कपड़ा में जो ना आपको वो सब लाइन एंगल्स ट्राइंगल्स ऐसा ना बहुत ज्यादा शेप देखने को मिलेगा एंड इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए इसको लाइक जीआई टेक मिला है. ओके, वेयर लाइक जैसे कि वो लोग क्या क्या बनाते हैं, इट्टो पोलो करके, हाँ इट्टो पोलो जो उसका लैंग्वेज में बोला जाता है, एंड दैट इज योर लेडीज ब्लाउज. ओके, थूमा जो आपका लेडीज रैप अराउंड. ओके, के बाद आपका जैसे कि मेन्स कोट भी बनता है, मेन्स कोट टाई अकुची 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 करके ये जो शोल्डर बैग को बोला जाता है, शोल्डर बैग. ओके, एंड हैंड पर्स, प्रीस्ट वेयर, ऐसा ना बहुत सारा आपका ये जो डिजाइन जो ना इसका डिजाइन से बनता है. ओके, एंड लाइक इट इज लाइक हैंडीक्राफ्ट ना, लाइक हाथ से बनाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज गॉट अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. तो हम और कोई बता देगा जीआई टैग जो उन लाइक क्रॉप्स या तो किसी भी चीजों को मिला जाता है जिसका क्वालिटी सबसे बेहतर होता है ना कि क्वान्टिटी. And after that, yeah, UNESCO, we have studied, na? Yes, indeed, yeah. और उससे पहले ना ये भी बताना था आपको कि लाइक जो अपकमिंग जीआई टेक है, अपकमिंग जीआई टेक ना, अपकमिंग जीआई टेक जो आपका खमती लाही राइस, खमती लाही राइस जो लाइक एंड आफ्टर दैट तावंग मेज आदि जिंजर, ये सब ना लाइक खमती लाही राइस का जो ना इसका यूनिक टेस्ट, हाँ इसका अरोमा, इसका विद साइज शेप कलर एंड कुकिंग मेथड जो है ना, तो इसके कारण से इसको मतलब प्रपोजल दे के रखा हुआ है. ओके, अभी तक नहीं मिला है. एंड दिस तावंग मेज, उसके बाद आदि जिंजर को भी, और ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओ साइन किया है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में. ओके, जोहत. और जैसे कि लाइक जो पेंडिंग में ना जिसको तो प्रपोजल लाया भी नहीं गया है, तो दैट इज योर मोनपा वुडन मास्क. ये सब जो हम एक्स्ट्रा लिखते जा रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो ये सब आपका अपकमिंग जीआई टैग है. हाँ, अभी तक नहीं आती, इनकेस ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए अगर जो चीज अभी तक मिला नहीं है ना, तो ये आपको जो जीआई टैग मिल चुका है उसको अच्छा से ध्यान रखिए. अरुणाचल प्रदेश जो लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेक में सिक कर रहा है दो साइट्स का. ओके, दो साइट्स का वो सिक कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, हाँ उसका लिस्ट में लाने. मोम्पा उदन क्या लिखा है मैम? मोम्पा उदन मास्क. अच्छा मैम, हाँ ये अरुणाचल में जो क्यूवी मिल रहा है उसका कुछ जेट टेक का कुछ प्रपोजल है क्या ना मैम? जीआई टेक का ना तो फिलहाल हम मेरा तरफ से तो हम नहीं सुना है. ओके, लाइक इनके होता होने से चेक करना पड़ेगा एक बार. आई विल चेक. ओके, कीवी का ना? या मैं हो जाएगा. ठीक है, आई विल चेक कीवी का. एंड लेकिन ना जो जीआई टेक जो नहीं मिला ना अभी तक उसको शायद से एग्जाम में इतना नहीं पूछ रहे हैं ना, जो ऑलरेडी मिल चुका है वी शुड फोकस ऑन दोस थिंग. एंड ये जो आपका जो अरुणाचल प्रदेश लाइक ना अरुणाचल प्रदेश में ऐसा दो साइट है ना जिसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में
मतलब उसको डालने के लिए. ओके तो अभी तक उसको लिस्ट में नहीं डाला है लेकिन उसको प्रपोजल ऐसे मतलब सीख कर रहा है. एंड देट इज योर दो है ऐसा जगह. एंड फर्स्ट वन इज योर अपतनी कल्चरल लैंडस्केप जो कि लाइक आपका उसमें यूनिक एग्रीकल्चर टेक्निक होता है. अगर आपने कभी जीरो वैली में गया होगा तो आपने देखा होगा कि लाइक उसमें क्या होता है, मिलेट कल्टिवेशन होते हैं साथ ही साथ में. ओके राइस का साथ में फिश कल्टिवेट करेगा एंड लाइक मिलेट इज ऑल्सो ना लाइक थ्री इन वन. एक टाइम में एक सीजन में आपको मतलब बहुत सारा मिल रहा है. तो ये एक यूनिक एग्रीकल्चर टेक्निक है अपतनी कल्चरल लैंडस्केप का ना. एंड इट्स लाइक उसका जो एंड लाइक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए भी ना लाइक इसको जो सीख कर रहे हो. ओके साइट के लिए. और दूसरा जो आपका थेम्बंग डिजोंग करके जो वेस्ट कमिंग में है ना, ये जो आपका लिविंग आर्कियोलॉजिकल साइट जो लाइक प्रॉपर मतलब जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक मतलब नहीं होते का, एक प्रॉपर रहने का तरीका और लाइक किस तरह से अच्छा से रह पाएगा ना, तो वो उनका जो एक मतलब वो है आर्कियोलॉजिकल साइट से ना घर टाइप का ना, तो वो सबका ये थेम्बंग डिजोंग को इसके लिए वो जो सीख कर रहे हैं. ओके और उसका ह्यूमन एक्टिविटी सब चेक करके स्क्रिप्चर में जो पहले मतलब मोम्पा एंड खम्पी ना इनको तो दिया गया था एंड वांगचो को भी अभी दे दिया. हाँ स्क्रिप्चर का तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो लाइक आपका जैसे लाइक ये अरुणाचल प्रदेश हो गया तो आपका जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन कौन सा है आपका तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना एंड साउथ में ये साउथ साइड में आपको नागालैंड एंड साउथ ईस्ट ये साइड में आसाम ऐसे देखने को मिलेगा एंड ईस्ट साइड में म्यांमार एंड वेस्ट साइड में यू विल फाइंड द भूटान ये जगह में ना. तो विच मीन्स आपका तीन है ना. वी ऑलरेडी स्टडीड म्यांमार भूटान तीन इंटरनेशनल कंट्री का साथ में लिंक. ओके अभी हम लोग मैकमोहन लाइन का बारे में पढ़ रहे. ओके तो उससे पहले ये मैकमोहन लाइन नहीं पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैकमोहन लाइन का हिस्ट्री को थोड़ा जानेगा. हाँ नॉट इन डेप्थ बट लाइक स्लाइट आइडिया अबाउट योर मैकमोहन लाइन. इसमें ना लाइक मैकमोहन लाइन मैकमोहन से नहीं पढ़ने से पहले हाँ ये जो ना From 1819 to 1823 ना उस समय को क्या था कि म्यांमार जो म्यांमार ओके म्यांमार ने आसाम वेले लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आसाम को लाइक वो जो अंडर कंट्रोल था म्यांमार के अंदर. ओके म्यांमार वॉज रूलिंग आसाम वेले फ्रॉम 1819 to 1823. मीन वाइल आपका जो लाइक ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश एंड लाइक जो म्यांमार है ना उसमें भी लाइक अनबन हो रहा था. हाँ उस समय को लाइक चिटागांग एंड अराकन योमा जगह को लेके एंड उस समय को आसाम का किंग जो ना सीख किया है कि लाइक हम लोग को लाइक ये बर्मीस का रूल से आजाद किया जाए. ओके तो सीख किया था हेल्प ब्रिटिशर से कौन आसाम गवर्नमेंट आसाम का जो किंग उस समय को किंग था. ओके एंड दैट्स व्हाई यहाँ में एक क्या कहते हैं एंग्लो बर्मीस वार हुआ था 1824 to 1826 इसमें. ओके जिसको इससे ना ये लिंक है. हाँ इनर लाइन परमिट एंड ऑल इसलिए बता रहे हैं ट्रीटी ऑफ यंदाबो इन फरवरी 1826. ओके सबसे पहले वो म्यांमार वो 1819 से लाइक 1820 तक क्या किया था कि रूल किया था उस समय को तो एंड लाइक आसाम का लाइक किंग जो सीख किया था ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगा था. ओके एंड उस समय को ब्रिटिशर्स एंड दिस म्यांमार में भी मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा था
ये एरिया को लेके चिटागांग एंड अराकन योमा एरिया को लेके, तो जिससे फिर क्या हुआ है, दोनों में लाइक एंग्लो एंड बर्मिस वॉर हुआ था एंड ट्रीटी ऑफ यांडोवा ये जो साइन किया गया था जिसमें ब्रिटिशर जीत गया था ओके म्यांमार से इन फरवरी 1826 को. एंड आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स है ना अभी तो लाइक आसाम का मोस्ट ऑफ द एरिया जो लाइक अभी आसाम आसाम का लाइक एरिया को ब्रिटिशर्स जो लाइक अभी रूल कर रहा था ना सक्सीड कर दिया तो उसको म्यांमार को. एंड नाउ आसाम गवर्नमेंट सॉरी ब्रिटिशर्स वॉज रूलिंग द आसाम एरिया. एंड उस समय को क्या हुआ था कि लाइक ना सिंस लाइक क्या बोलते हैं जो प्रीडेसर्स ना उसमें जो किंग था ना उसने प्रॉपरली डिमार्केट करके नहीं रखा था ना लैंड रिकॉर्ड्स को, तो जिससे उनको ये देख उसको ये पाया गया कि जब वो रूल कर रहा था असम एरिया को उस समय को मोर लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस ना यूरोपियंस एंड लाइक जैसे कि ब्रिटिशर्स का सिटीजन ना ब्रिटिशर का सिटीजन गवर्नमेंट नहीं होके ब्रिटिश का सिटीजन्स एंड आपका जो लाइक यूरोपियंस लाइक अदर पीपल्स जो क्या कर रहा था वो जगह एरिया में बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया का ना ये चीज भी है ना कि लाइक उसमें आपको बहुत देर सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का प्लांट आपको मिलता है टिम्बर मिलता है अच्छा खासा फिर जैसे लाइक वाइल्ड एनिमल्स आपको मिलता है ना उसमें बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था ओके बाहर वाला जिसमें वो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा कि लाइक हाँ मेरा हिसाब उनके हिसाब से एक एक परमिट पहले बहुत गर्म था हम वो ये साउंड को ऑफ करने का चक्कर में कहाँ चला गया.